क्या आप भी बंद कमरे में हीटर चलाते हैं? क्या आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए। काफी न्यूज पढ़ी देखी कि किसी जगह पर पूरी फैमिली रात को सोई हीटर जलाकर और सुबह तक पूरी फैमिली खत्म हो गई। ऐसे कई केस आए हुए सुनने में, ठीक है। सो इसी के बारे में बात करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक। क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है और क्या इसका निवारण है, ओके, इसकी बात करते हैं। देखिए, अंगीठी जलाते हैं या फिर हीटर जलाते हैं, ठीक है, ब्लोअर जलाते हैं, ब्लोअर जो गर्म हवा फेंकता है, ठीक। ये सब के सब क्या करते हैं, इसको जब जलाते हैं तो ये जो हमारे रूम की या आसपास की जो ऑक्सीजन होती है उसका कंबसन होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का हिंदी में बोलते दहन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, अगर ये आप 2-4 घंटे चला लोगे कमरे के अंदर तो कमरे की जितनी भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, ओके। अनलेस अगर कमरा आपका बंद है तो, अगर कमरे की खिड़की खुली हुई है तो ऑक्सीजन कम नहीं होगी, बाहर से हवा अंदर आती रहेगी। लेकिन अगर खिड़की बंद है, सब कुछ बंद है और गर्मी लेने के लिए हीटर चला रखा है, ठीक है, या फिर ब्लोअर चला रखा है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, आसपास की जो ऑक्सीजन है कमरे की वो सब ऑक्सीजन आपकी नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और टाइम टू टाइम 2-4 घंटे बाद में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक। और हम लोग जो सो रहे हैं उस कमरे के अंदर तो नींद में है, स्लीपिंग फेज में, उस फेज में धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती चलेगी, ऑक्सीजन कम होती चलेगी तो क्या हुआ, हमको हाइपोक्सिया हो गया हमारी बॉडी के अंदर, ठीक। और 2-4-6 घंटे बाद में सुबह को पता चला कि सुबह तक वो नींद में ही आदमी निकल गया, ठीक, नींद में आदमी जो डेथ हो गई उसकी, ठीक, सोते सोते, उसका कारण ये। तो आप लोग से वो एडवाइस है, जो भी मान लीजिए कि बंद कमरे में हीटर या अंगीठी, अंगीठी वाला भी सेम केस है, अंगीठी में भी कोयला जलाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है, और ऑक्सीजन कम हो जाती है, समझे ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है आपका डेथ हो सकती है। और डेथ भी अगर नहीं हुई तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को वोमिटिंग होगी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ तक कि हेमिपैरिसिस वगैरह हो सकता है, अगर बच गया तो, नहीं बचता तो फिर तो होता है, ठीक है। सो इसके लिए आपको ये काम करना है कि हीटर और अंगीठी का यूज नहीं करना है बंद कमरे में, ओके। तो फिर गर्मी कैसे करें, इतना जाड़ा हो रहा है, -8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, -6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, अब ऐसे जाड़े में क्या किया जाएगा, उसका सोल्यूशन हम बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है, जो हीटर होता है, ब्लोअर होता है, इसमें क्या है कि एक एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट जलाया जाता है, बर्न कराया जाता है, ठीक है, जब वो आसपास की जो ऑक्सीजन है उसको बर्न करने में यूज हो जाती है, ठीक। लेकिन एक होता बल्ब, जो पुराने ज़माने का कांच का बल्ब, ठीक है, 200 वाट का, 100 वाट का, वो बल्ब अगर आप कमरे में चलाओगे तो उससे गर्मी तो आएगी उतनी, उससे कम आ जाएगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, लेकिन वो कमरे की ऑक्सीजन को ख़त्म नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा डाउन ऑक्सीजन नहीं होगी जितनी की उसमें होगी, 19-20 का फर्क पड़ सकता है थोड़ा सा, ठीक है, वो भी बहुत देर तक चलाओगे तो, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि इसका जो एलिमेंट होता है वो कांच के अंदर रहता है, और एलिमेंट और कांच की जो ऑक्सीजन, कांच के अंदर जो एयर है, जो वायु है, या जो भी कुछ है, गैस कह सकते हैं, वो कांच के अंदर ही रहती है, कांच के बाहर नहीं आती है, ठीक है। तो बाहर की ऑक्सीजन बाहर रहेगी, अंदर का अंदर रहेगा, इसीलिए बल्ब के को जलाने से क्या होता है, उससे ऑक्सीजन कमरे की कम नहीं होती है, ठीक है। तो 200 वाट का, 100 वाट का बल्ब जलाओ, कमरे में लगा लो किसी कोने में को, ठीक, और पूरी रात चलेगा और आपका जो है कमरे की ऑक्सीजन बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन रहेगी, ओके। इसके बाद क्या है कि जो इससे आपको जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी और बहुत सारे साधन हैं, खिड़की खोल लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक, और बल्ब के साथ तो खिड़की बंद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा सारा सारा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और जाते जाते डोंट यूज हीटर एंड ब्लोअर इन क्लोज रूम, ओके, ओपन रूम में यूज कर सकते हैं, ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।